हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी आउट की गई है रेलवे से, रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीजन से वेरियस पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है टोटल 1664 पदों के लिए, जिसे कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फिर से वैकेंसी आ चुकी है रेलवे अप्रेंटिसशिप में, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन में आपको अप्रेंटिसशिप के जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेगा उनको कई सारी बेनिफिट्स, हो सके तो परमानेंट जॉब्स की भी यहाँ पर मौका मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो हमारे न्यू रेलवे मिनिस्टर श्री वासनी वैष्णव जी को इन्होंने सौंप दिया गया एक लेटर, जो अप्रूवल के लिए पहले पीयूष गोयल जी को भेजा गया था, अब इनको न्यू रेल मिनिस्टर को भेज दिया गया है, तो अब इनसे अप्रूवल मिल जाएगी होपफुली, क्योंकि काफी क्वालिफाइड इंसान है गाइस कैबिनेट में। आजकल जो भी आज की डेट में इंडिया की कैबिनेट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान तो आसमनी वैष्णव है, जो हमारे प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, और देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं ये। तो होपफुली इनके लिए कोई बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए। तो फिलहाल आप अप्रेंटिसशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें, खास करके न्यू ITI कैंडिडेट जो भी हैं, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर, ये आपको भविष्य तक ज़रूर पहुँचाएगी अभी। तो चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए फुल डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ में जानेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, देन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो इसका प्रयागराज में हेडक्वार्टर है, और ये वैकेंसीज अपडेट जस्ट ही अपडेट की गई है 27 जुलाई 2021 को। हम आपकी वीडियोस लेकर आ चुके हैं आपके सामने टोटली केयरफुली A to Z इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो जरा पैशन से और इन ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एज लिमिट जो होनी चाहिए 15 साल से लेकर 24 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काउंट की जाएगी एज आपकी 1 सितंबर 2021 को, तो अपना एज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 सितंबर को काउंट की जाएगी। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ही आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है, अदरवाइज एज रजिस्ट्रेशन प्रॉपर मिलेगी, जैसे कि ST/ST वालों को 5 और OBC वालों को 3 ईयर्स की। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप 10 साल की छूट ले सकते हैं, और कुछ एज जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी यहाँ पे काउंट की गई है। जो भी कैंडिडेट है आप ज़रूर देख लीजिएगा, खास करके ST/ST वाले कैंडिडेट, क्योंकि ये ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो 10th पास, जो 10+2 सिस्टम द्वारा आपके पास 10+ में, याद रखिएगा 10th में 50% मार्क्स होनी चाहिए, 10th में जिसका भी परसेंट 50% से कम है प्लीज़ ये वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 50% मार्क्स होना ही चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि वेस्टर्न जो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक हैं, वायरमैन है, कारपेंटर है, उनके पास 8 पास होनी चाहिए तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 8 पास जैसे कि वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले हो गए, वायरमैन हो गया, कारपेंटर, ये 8 पास वाले ही यहाँ पर ITI करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT जो भी आपका एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए। वैकेंसीज की हम बात करने जाएं कौन कौन सी ट्रेड के लिए निकाली गई है, तो ये डेजिग्नेटेड ट्रेड है, और ये ITI ट्रेड होगी, उसके बाद डेजिग्नेटेड ट्रेड, ये फिर से ITI ट्रेड यहाँ पर रखा गया है। तो फिटर की वैकेंसी है, उसके बाद वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए, आर्मेचर वाइंडर, तो आर्मेचर वाइंडर वाले कमेंट करते थे बच्चे, आप ज़रूर अप्लाई करें। देन यहाँ पे मशीनिस्ट की वैकेंसी है, कारपेंटर की, इलेक्ट्रिसियन की, पेंटर जनरल की, उसके बाद मैकेनिक डीजल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में, उसके बाद वायरमैन की यहाँ पे आउट की गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी फिर से प्लम्बर की है, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये बहुत ही आराम से, ये कभी नहीं निकलती है गाइस रेलवे में, लेकिन पहली बार देखने को मिला NCR में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मल्टीमीडिया वेब पेज डिज़ाइनर, काफ़ी मौका दिया गया MMT वालों को, कैरियर ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये सब सारी ट्रेड है, लगभग 19 ट्रेड्स यहाँ पर रखी गई है, तो जो भी आप इन ट्रेड से बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं डज नॉट मैटर। देखिए, यहाँ अप्लाई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फ़ी का क्रिटेरिया रखा गया है, जो कि कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा, भाई 100 रुपये क्या रिफंड होगा। 100 रुपये रखी गई है, जो कि जनरल EWS ओनली OBC कैंडिडेट को फिल करना होगा। जितने भी ST/ST एंड PWD एंड सभी कैटेगरी के फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्री फॉर्म है, ज़रूर फिल कीजिएगा।
विजुअली इम्पॉर्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए, पहले रेलवे अप्रेंटिसशिप में ऐसा होता था कि विजुअल आई कांटेक्ट उतना मान्यता नहीं दी जाती थी, लेकिन अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आँख थोड़ा सा इशू होने के कारण, जैसे कि आपका चश्मा भी देख लीजिएगा, चश्मा लगभग 6x6 तो चल जाता है लेकिन चश्मे के आधार पर होता है, तो जो भी ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस तो यहाँ पे टोटली रिजेक्ट हो जाएंगे। और अपने आई कॉन्टैक्ट जरूर चेक करवा लें, आपकी आँखों में प्रॉब्लम्स है क्या, है क्या इशू है, जिसके कारण अभी अप्रेंटिसशिप में रिजेक्शन देखने को काफ़ी मिल रहा है, बिकॉज COVID-19 के कारण ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं उसके ही कारण भी यहाँ पर रिजेक्ट कर जाते हैं, तो ये भी देख सकते हो आप। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन टोटली मेरिट के आधार पे होगा, 10th का 50% विथ आपका मेट्रिकुलेशन या फिर 8th का 50% देन आपके ITI का 50%, तो दोनों को एग्रीगेट करके एक कट ऑफ मार्क्स तैयार की जाएगी और बच्चों के लिए शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी मेडिकल, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। एक साल की टोटली टेन्योर होने वाली है, घबराने ये में कितनी कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली कि किस डिवीज़न में, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर ये ट्रेनिंग पीरियड एक साल की होगी और इसके बीच में आपको स्टेपन दी जाएगी जो कि अप्रेंटिसशिप के एक्ट के अनुसार मिलती है, तो कितना मिलती है 6500 से लगभग 7500 के बीच में रेलवे में स्टेपन मिलती है, इससे ज़्यादा स्टेपन यहाँ पर दी नहीं जाती है। फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं प्लीज़ अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब भी अप्रेंटिसशिप के लिए आप DV के लिए जाओ तो उसमें 100% नहीं होने के कारण भी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो पहले 100% कर लें अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। कैसे करनी है वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म फिल करना होगा। कैसे फॉर्म फिल करना है उसके लिए मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियोज़ कंटिन्यू करनी है और विजिट करें सक्सेस दिलीप पे, टोटली आपको मिल जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उस दिन बताएंगे जिस दिन मैं फॉर्म फिल करने के लिए बताऊंगा आपको। फाइनली आ जाते हैं स्लॉट के बारे में, जो कि स्लॉट 2020-21 के हिसाब से यहां पर पे रखी गई है। सबसे पहले प्रयागराज डिवीज़न जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, तो फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ये सारे चीज़ें जो मैकेनिकल में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टोटल आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर फिटर वालों के लिए, 335 पोस्ट पर टोटल वैकेंसीज आउट की गई मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, यहाँ पर फिटर, वेल्डर है, आर्मेचर है, कारपेंटर, क्रेन मशीनिस्ट, पेंटर और पेंटर जनरली और इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो टोटल 339 पदों के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। उसके बाद झांसी डिवीज़न की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल के लिए, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन के टोटल 480 पोस्ट पर वैकेंसी है। जहाँ पर जिस डिवीज़न में आप देखें तो फिटर की ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है और कंपेयर टू इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि लगभग इलेक्ट्रिशियन फिटर लगभग कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस बार फिटर की ज़्यादा वैकेंसी है, तो फिटर वाले अप्लाई ज़रूर करें, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी मौका है। वर्कशॉप एक झांसी है, यहाँ पर भी फिटर देख सकते हैं, वेल्डर, MMTM, मशीनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी, टोटल 185 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आगरा डिवीजन की मैं बात करूं तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन की यहां पे ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है, तो यहां पर आजमा सकते हो, यहां पर ज्यादा फॉर्म फिल करें, तो अपने अपने डिवीजन सेलेक्ट करें, यहां पर 296 पोस्ट पर वैकेंसी है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कीजिए और अपना कैटेगरी वाइज चेक करें, अपना ट्रेड वाइज चेक करें, मेरा किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और कहाँ पर मुझे अप्लाई करना चाहिए, उसी के हिसाब से अप्लाई करें। तो ये सारी डिवीज़न में वैकेंसीज निकाली गई आगरा डिवीज़न में, ये काफ़ी सारा ट्रेड है यहाँ पर आगरा डिवीज़न में, टोटल 14 ट्रेड यहाँ पर मौका दिया गया आगरा में, और सबसे देख सकते हैं 296 वैकेंसी जहाँ पर आगरा में निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो लगभग कहीं ना कहीं झांसी डिवीज़न में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो ज़रूर अप्लाई करें, जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, दैट्स गुड। और ये रही सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन की आपकी डेट, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे सबमिट की गई है। अब बात करें फॉर्म फिल कब स्टार्ट हो रहा है, तो ओपनिंग डेट 2 अगस्त 2021 से है, यानी कि अभी ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा शांत रहें और अपना जो है अपना प्रोफाइल जो क्रिएट करके आप 100% पहले पूरा कीजिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर। क्लोजिंग डेट आपका 1 सितंबर 2021 तक होगा, तो आ जाना है 2 अगस्त 2021 को सक्सेस दिलीप पे, आपको यहाँ पर मिल जाएगी वीडियो कैसे यहाँ पर फॉर्म फिल करना खुद से घर बैठे ऑनलाइन, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फिलहाल गाइस ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो इस पर लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।